हेलो हाय एंड वेलकम टू योर चैनल श्याम स्टडी। आज हम इस वीडियो में पब्लिक सेक्टर बैंक के पार्ट टू को कवर करेंगे। इसमें हम और 6 पब्लिक सेक्टर बैंक को कवर करेंगे। यदि आपने हमारा पुराना वीडियो यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नवरात्रि के शुभकामनाएँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुआ था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो कि तपन राय हैं, इनको आप फर्स्ट इमेज पर देख सकते हैं, और इस बैंक के एमडी और सीईओ पल्लव महापात्रा जी हैं, इनको आप सेकेंड इमेज पर देख सकते हैं। इसकी जो मोटो है, बिल्ड ए बेटर लाइफ अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास बेहतर जीवन का निर्माण करें। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण 1919 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ को आप इस इमेज पर देख सकते हैं, उनका नाम राजकिरण राय जी हैं। और 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक ने यूबीआई यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मर्ज करा था और इसका मोटो गुड पीपल टू बैंक विथ, यानी कि बैंक के साथ अच्छे लोग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यानी कि BOM का निर्माण 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के पुणे में स्थित है। इसके एमडी और सीईओ का नाम AS राजीव हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। इसका रेवेन्यू जो कि $1.8 बिलियन है और इस बैंक का मोटो वन फैमिली वन बैंक यानी कि एक फैमिली एक बैंक है, इसको आपको याद रखना है। 1937 को निर्माण किया गया IOB बैंक यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता इसके एमडी और सीईओ हैं और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन TCA रंगनाथन है, इनको आप फर्स्ट इमेज पर देख सकते हैं। और इस बैंक का मोटो गुड पीपल टू ग्रो विथ, यानी कि अच्छे लोगों के साथ बढ़ने के लिए, ये इसका मोटो है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक यानी कि यूको बैंक की स्थापना 1943 को हुआ था। इसका मुख्यालय पश्चिम बंग की राजधानी कोलकाता में स्थित है और इसके एमडी और सीईओ को आप इस इमेज पर देख सकते हैं, उनका नाम अतुल कुमार गोयल है और गवर्नमेंट ने इसका 94% स्टॉक खरीदा है। और इसका टैगलाइन ऑनर्स योर ट्रस्ट होता है, यानी कि आपका विश्वास सम्मानित करना है। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्माण हुआ था और SBI का मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। दिनेश कुमार खरा जी इसके MD और CEO हैं, जिनको आप इस इमेज पर देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते थे और इसकी टैगलाइन जो कि द बैंकर टू एवरी इंडियन, यानी कि हर भारतीय के लिए बैंकर। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि SBI बाजार के जो शेयर मार्केट शेयर में 23% की कंट्रीब्यूशन करता है, इसको आपको याद रखना है। ये थे भारत के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपके लिए कवर कर दिए हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और पब्लिक सेक्टर बैंक में पहले स्थान पर SBI, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, तीसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आपकी सजेशन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसके बाद के वीडियो में हम प्राइवेट सेक्टर बैंक को कवर कर लेंगे, तो वीडियो में बना रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपको थैंक यू।